अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं AQ TV, डाइटिशियन महरीन, डाइटर इस्लामिक ऑफिस इस्लामाबाद से। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपकी जो आपने हमारे प्रीवियस क्लिप्स को पसंद किया और उसमें जो कॉमन क्वेश्चंस थे उनमें से एक क्वेश्चन जो हमारे पास आया था वो था कि डाइट प्लान्स जो हैं वो डिफरेंट बॉडी शेप के हिसाब से किस तरह से जो है बनाए जा सकते हैं, या फिर क्या डिफरेंट बॉडी शेप के भी प्लान्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो आज के क्लिप में हम यही प्लान्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे फॉर डिफरेंट बॉडी शेप और फिर उनका जो वेट लॉस रिजल्ट होता है उसके हवाले से। व्यूअर्स, कभी कभी हमें आप इनबॉक्स करते हैं या कमेंट करते हैं और उसमें आप हमसे कहते हैं कि हमें डाइट चार्ट दे दें, हमें अपना डाइट प्लान दे दें। तो डाइट प्लान देते हुए या डाइट चार्ट देते हुए काइंडली इस चीज़ को नोट रखें कि डाइट चार्ट एक प्लान सब के लिए नहीं होता। आपकी बॉडी टाइप को देखा जाता है, आपकी बॉडी शेप को देखा जाता है, आपकी असेसमेंट देखी जाती है, आपकी कंप्लीट हिस्ट्री को देखते हुए एक डाइटिशियन आपका टेलर्ड या कस्टमाइज डाइट प्लान बनाती है। ठीक हो गया? सो एक डाइट प्लान हर एक के लिए सूटेबल नहीं होता। आज जो मैं आपको गाइड करने जा रही हूँ या बताने जा रही हूँ वो डिफरेंट बॉडी शेप्स के हिसाब से गाइड करूँगी। पहला जो आज हम जो शेप जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एप्पल शेप बॉडी। ठीक है, मेनली जो बॉडी शेप्स होती हैं उसमें एप्पल शेप बॉडी शेप कॉमन होती है। नंबर टू, कुछ लोग पियर शेप के होते हैं, आर ग्लास बॉडी शेप होती है, और इसके अलावा पायरामिड यानी कि ऑपोजिट ट्राइंगल शेप जो है वो लोगों की कॉमन होती है। सो आज फर्स्ट जो मैं क्लिप करने जा रही हूँ दैट इज़ ऑन एप्पल शेप बॉडी। ठीक है, एप्पल शेप बॉडी ज़्यादा कॉमन होती है मेल्स में, और फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है पियर शेप बॉडी। ठीक है, अब एप्पल की शेप क्या है, ऐसे थोड़ा सा आपको एक ओवल सा उसका एक व्यू आता है, और एप्पल शेप बॉडी के जो मेल्स होते हैं उनका ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है ऑन टमी एरिया या बैली एरिया, जिसको अक्सर मेल्स कहते हैं कि तोन निकल आई है। ठीक है, सो वो आपका जो है वो बैली एरिया पे जो फैट डिपॉजिट जमा हो रहा है वो होती है मेल्स की एप्पल शेप बॉडी। ठीक है, अब एप्पल शेप बॉडी में जो फैट डिपॉजिट होता है वो ज़्यादा डिपॉजिट होता है इन द डीप ऑर्गन्स। ठीक है, मेनली जो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं जो बेली एरिया में आपके मौजूद होते हैं वहाँ पे डीप इनसाइड द ऑर्गन्स आपकी फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, एंड डेफिनेटली जब ऑर्गन्स के आसपास चर्बी जमा हो जाएगी तो आपकी तमाम जो बॉडी की वर्किंग है या जो हार्मोन्स हैं जो ऑर्गन्स हैं उनकी वर्किंग इफेक्ट हो जाएगी। मेनली जो हार्मोन इफेक्ट होता है इन एप्पल शेप बॉडी मेल्स में वो होता है इंसुलिन हार्मोन। ऐसे लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको आगे जाके डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, सो उनको जो है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए कि उनका वेट जो है वो उनके जो इंसुलिन लेवल है वो कंट्रोल रहे, और उनकी डाइट के थ्रू या उनकी एक्सरसाइजेस के थ्रू उनकी शुगर होने के चांसेस उनको कम हो जाए। ऐसे लोगों को अपनी डाइट में क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए, ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रोटीन्स ऐड करनी चाहिए, जैसे कि फ़िश हो गई, नट्स हो गई, कुछ ऐसे लेग्यूम्स होते हैं, दालें हो गई, पल्सेस हो गई, ओट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें उनको ऐड करनी चाहिए। ओलिव ऑयल अपनी डाइट में ऐड करें। ठीक है, इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऐड करें, जौ की रोटी ऐड करें, होल ग्रेन्स, होल व्हीट ब्रेड, और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि शुगर्स हो गई, वाइट ब्रेड हो गई, उसको अवॉइड रखना है। फैटी आइटम्स यानी पकौड़े, समोसे, डीप तली हुई जो चीज़ें होती हैं हाई कॉन्टेंट ऑफ फैट्स वो आपने अवॉइड रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा गुड फ्रूट्स, फ्रूट्स के जो वेजिटेबल के जूसेस होते हैं, वेजिटेबल्स, सैलड्स, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल रखें, और अपनी डाइट के अलावा अपने वर्कआउट की खास तौर पे रूटीन रखें, और वर्कआउट में वो वर्कआउट रूटीन्स रखें जो स्पेशली आपके स्टमक एरिया को टारगेट होते हैं, जिसमें पुशअप्स हो सकते हैं, क्रंचेस हो सकते हैं, एब एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, अगर हो सकता है तो कोई अच्छी सी जिम ज्वाइन करें। और प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें, आपका जब बेली फैट डिवेलप होना स्टार्ट हो गया है इसको प्लीज़ लाइट मत लें। कुछ लोग हमारे पास उस वक्त आते हैं जब आपका केस बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, सो हमने कोशिश ये करनी होती है कि जैसे ही आपका टमी एरिया निकलना स्टार्ट हो जाए तो उसको लाइट मत लें, उसको टाइट बेल्ट बांध के रोकने की कोशिश मत करें, बल्कि सीरियसली उसी वक्त उसको कम करें, इंस्टेड ऑफ के वो प्रॉब्लम आपका ज़्यादा ख़राब हो जाए और फिर आपकी जो इंसुलिन हार्मोन है उसकी वर्किंग डिस्टर्ब हो। सो आपने अपने डाइट प्लान में काफ़ी हद तक इन चीज़ों का, इन टिप्स का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें मैं आपको क्विकली पियर शेप यानी जो फीमेल्स में कॉमन प्रॉब्लम होती है पियर शेप बॉडी फैट और जो बॉडी टाइप है पियर शेप उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।